मैं आज बहुत खुश हूँ को जो जनता से मुझे आभार प्यार मिला है, जो इज्जत मान मुझे मिलती है, आज जनता ने दिखा दिया है सड़कों पर आकर। और ये चुनाव जो है कांग्रेस ने भी भरा है, भाजपा ने भी भरा है, मैंने भी आज जितनी सादगी से भरा है, ये दर्शाता है आम आदमी पार्टी की ज़मीनी हकीकत क्या है। और ये चुनाव हम अवश्य जीतेंगे। देखो ये जनता चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस और भाजपा का आपस की लड़ाई है वो लड़ेंगे, हम चुनाव जीते पड़े। आप छोड़िए, मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं क्या है कार्य, लेकिन नहीं मैं अपना उन चलो आपने आज आपने देख ली होगा ना सड़कों में, आपने सड़कों में देख लिया, कांग्रेस का भी देखा, भाजपा का देखा, हमारा भी देख लिया, तो आप अपने आप ही फैसला कर लो वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। पवन बंसल जी 2009 में 60,000 वोटों से जीते थे, 2014 में 70,000 वोटों से हारे, और 2016 में जब कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ तो उनको सिर्फ 26 में 4 सीटें मिली हैं। मतवातर जो है वो मामा भांजा और रेल गेट उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सर ये बताइए लास्ट क्वेश्चन है, किरण खेर को जो उनको जो लोकसभा सीट मिली है वो उनके काम की वजह से मिली है या फिर अनुपम खेर की वजह से? अनुपम खेर की वजह से मिली। पहले भाई जो मुद्दे 15 साल तक मैं पांच बातें कह रहा हूँ आपसे जो आम जनता को दरपेश हैं। एक तो जो हाउसिंग बोर्ड की नीड बेस्ड चेंजेस हैं, 20 साल से लटके पड़े पवन बंसल भी बुरी तरह फेल हुए, किरण खेर भी, लीज ओल्ड सिस्टम जो तब से चल रहा है बंसल साहब के भी इनसे अभी तक नहीं हुआ। तीसरी चीज़ जो हर व्यापारी को कमर्शियल जो मकान या उनकी दुकानें हैं मिसयूज़ और वायलेशन के नोटिस वो नहीं हुआ, मालकाना हक की बात करते वो नहीं हुआ, कर्मचारियों के लिए इन्होंने कहा था कि ठेकेदारी ख़त्म कराए वो एक्सप्लॉयटेशन आज भी जारी है। मैं क्या कह रहा हूँ और तो और सुनिए, देश भर में कहते हैं कि पंचायती राज को हम मजबूत करेंगे, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर पंचायतें ही ख़त्म कर दी, 9 पंचायतें बंसल ने ख़त्म करवाई और 13 जो है मैडम किरण खेर ने करवा दी, लोग कैसे इनको बख्शेंगे। फिर इन्होंने कहा कि जितने भी पंचायतों के बाहर है लाल डोर के बाहर मकान है उनको रेगुलराइज कराएं, कहाँ कराए इन्होंने, 20 साल हो गए जनता त्रस्त है, आज लोग इनको माफ नहीं करेगी, ये बुरी तरह से पिटेगा। कैंपेन करने के लिए आपकी तरफ से कौन-कौन से लोग? हमारे हमारी तो पूरी जनता हमारे साथ है। देखो हमारा मेन ये तो बातें मैंने बताई जो जनता को दरपेश है, मेरा इस चुनाव में मुद्दा होगा कि एजुकेशन एंड हेल्थ मैक्सिमम बजट एलोकेशन विल बी टुवर्ड दीज टू हेड्स। लेकिन भाजपा ने आपको मैं उनको छोटी बहन कह रहा हूँ, मैं उनकी छोटी बहन कहता हूँ अभी भी कह रहा हूँ, पर लेकिन अगर अगर मैं उनको छोटी बहन कहता हूँ कहूँगा, लेकिन मेरी छोटी बहन ने मुझे ही नाराज नहीं किया, जनता को भी नाराज किया है।